हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सोनाली और आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए ये स्पेशल मिठाई। वीडियो के बीच में मैंने इसमें कुछ अपग्रेडेशन बताए हैं जो कि करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिठाई बनाना। ये मिठाई बनाने के लिए एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 से 2 चम्मच दूध डालेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर में दूध डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा ही दूध मिलाकर हम इसे गूंद लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से दूध मिलाएंगे, इसका टाइट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर डो को अच्छे से सेट कर लेंगे। तैयार डो को हम साइड में रख देंगे और अब उसी बाउल में मैं फिर से 1 कटोरी मिल्क पाउडर ले रही हूँ। अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर का इस्तेमाल करके हम चॉकलेटी डो तैयार करने वाले हैं, तो कोको पाउडर को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ज़रूरत के हिसाब से दूध मिलाकर हम इसका भी टाइट डो तैयार कर लेंगे। चॉकलेटी डो भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब एक फ्लैट सरफेस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। सबसे पहले मैं चॉकलेटी डो को 2 भाग में डिवाइड कर लूँगी और अब इसे हम शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, ये मिठाई बनाने के बाद हम इसे फ्रिज में रखने वाले हैं, तब ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, इसलिए आप इसे बनाते वक्त डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ज़रूर मिलाएं। जितना मिल्क पाउडर आप ले रहे हो उसे 3/4 कोकोनट पाउडर मिलाना है। बिल्कुल इसी तरह व्हाइट डो को भी मैं शेप में तैयार कर लूँगी। बिल्कुल सेम शेप की 2 स्ट्राइप्स हमने तैयार कर ली है और अब इसमें से चॉकलेटी पार्ट को हम बीच में रखने वाले हैं। इस तरह से इसे रख लेने के बाद हमें इसे गोल शेप दे देना है। ये मिल्की चॉकलेटी मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप जब बनाओगे तो डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूले। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।